बिहार में आजकल नया दौर शुरू हो चुका है, कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा तो कभी जेडीयू के साथ काम करने वाली प्रशांत किशोर आजकल बिहार में नई सियासी बहार लाने की तैयारी में है। प्रशांत किशोर लगातार अपने बयानों और पदयात्रा के माध्यम से सुर्खियां बटोरते रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अब बिहार को बदलने की बारी आ गई है। बिहार में पिछले 21 महीनों से चल रहे जन सुराज अभियान को 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल बनाया जाना है। इसमें युवाओं की भूमिका और उनकी हिस्सेदारी पर चर्चा के लिए जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ आज यानी रविवार को एक अहम बैठक हुई। आयोजन में पूरे बिहार भर से लगभग 20,000 युवा शामिल हुए। जन सुराज युवा सांसद कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार का जो भी काबिल युवा राजनीति में आना चाहता है उसे जन सुराज चुनाव लड़ाएगा। बिहार के युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। जन सुराज बिहार के युवाओं की जिद है। जन सुराज उन युवाओं की जिद है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। जन सुराज हम सबका संकल्प है। उन्होंने आगे कहा कि आज आप सबको बताने आया हूँ कि जन सुराज व्यवस्था भी है, जिसके तहत गरीब से गरीब का बच्चा भी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। बिहार का ऐसा युवा जो बिहार में रह के समाज के लिए कुछ करना चाहता है उसे हर तरीके का संसाधन जन सुराज मुहैया कराएगा। मैं आज हर युवा को बताना चाहता हूँ कि आपको चुनाव में लड़ने के लिए पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हर तरीके का मदद जन सुराज करवाएगा। बैठक मौजूद युवाओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। शैक्षणिक योग्यता को जन सुराज में नेतृत्व करने का आधार बनाया जाना चाहिए। इस पर पीके ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। प्रशांत किशोर के स्वागत के लिए हजारों बाइक सवार युवा शेखपुरा हाउस पहुंचे थे, जहां प्रशांत ने सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया और सबके साथ बापू सभागार के लिए निकल गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब पीके का बिहार प्लान हिट होगा? अगर पीके का प्लान हिट हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बिहार की सियासत की बात की जाए तो बीते 3.5 दशक से बिहार में लालू और नीतीश का ही राज रहा है। जहां लालू के राज में प्रदेश में जंगल राज को बताया जाता था तो नीतीश के राज में बालू माफिया और भू माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे। बिहार की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और बेरोजगारी की है। एक वक्त में कहा जाता था कि बिहार से ग्रेजुएशन करना मतलब अपने करियर का सत्यानाश करना, लेकिन बीते कुछ सालों में बिहार की तस्वीर बदली है। बल्कि रोजगार के साथ साथ सरकार ने बजट के माध्यम से बिहार को ज्यादा तरजीह दी है। अब देखना यह है कभी मोदी और नीतीश की रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर की रणनीति अब खुद के लिए कितना काम करती है।